हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? सो वेलकम बैक. और आज हम लोगों ने जो टॉपिक टेकअप करना है, दैट इज़ बेसिकली तापी और उसकी ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स मेजर डैम्स. सो तापी को जो दूसरे नाम से अगर आप कहीं पे ताप्ती देख रहे हो तो बात एक ही है हम लोगों की, कुछ डिफरेंस नहीं है उसके अंदर. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ विद योर सोर्स के साथ. तो हम लोगों का जो तापी का जो सोर्स है, दैट इज़ बेसिकली आपके सतपुरा रेंज के अंदर है. और पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर मुल्ताई रीजन में से आपका जो है सोर्स है आपका ताप्ती का. हम लोगों ने इस तरीके से आपका जो है, आपकी दो रिवर्स पड़ी हैं, देखी हैं, ठीक है, इंडिया में, दैट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हम लोगों की, नर्मदा और ताप्ती. और नर्मदा हम लोगों ने पहले भी टिकअप किया कि कौन से दो रेंजेस, माउंटेन रेंजेस के बीच में हैं, तो दैट इज़ बेसिकली योर विंध्या एंड योर सतपुरा. तो सतपुरा के अगर हम साउथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों की ताप्ती रिवर है आपकी. सो हम लोग अब शुरू करते हैं, दैट इज़ विद योर, सबसे पहले हम लोग टिकअप करते हैं, दैट इज़ योर ट्रिब्यूटरीज के साथ. तो जो ताप्ती रिवर है हम लोगों की, तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी आपकी ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहले दैट इज़ योर पूर्णा रिवर. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी हम लोगों की जो ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ योर पूना रिवर, जो आपकी ताप्ती को मिलती है, ठीक है जी. उसके बाद हम लोग शुरू से शुरू करते हैं आपके लेफ्ट, आपके राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज के साथ. सो सबसे पहले हम लोगों के राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ योर गोमी, देन इज़ योर अरुणवती, अरुणवती एंड अमरावती. तो इसको आप दोनों को याद रख सकते हो, दोनों वंती हैं हम लोगों की, एक है अरुणवंती और दूसरी है हम लोगों की अमरवंती. ये दो हम लोगों की ट्रिब्यूटरीज हैं. अमरावती, प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा. आपकी अलग से हम लोगों की जो आपकी सिटी भी बन रही है, आपकी कैपिटल ऑफ विच स्टेट, दैट इज़ बेसिकली योर आंध्र प्रदेश. तो उसको उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा. दिस इज़ बेसिकली योर ट्रिब्यूटरी, ठीक है जी. उसके बाद हम लोग शुरू कर उसके बाद जो हम लोगों की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ योर अनर, ठीक है, देन इज योर बोखट एंड दंतराज, ठीक है जी. सो इसके अलावा जो हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज हैं हम लोगों की, तो सबसे इम्पोर्टेंट दो ट्रिब्यूटरीज हैं हम लोगों की, अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहली है, दैट इज़ योर बोरी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वन. एंड द सेकेंड वन इज़ योर गिरना, ठीक है. गिरना अगर आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, तो हमारी जो गिर हिल्स हैं आपकी गुजरात के अंदर, तो उसका जो हाईएस्ट पीक है बेसिकली, दैट इज़ योर गिरना स्पॉट है. तो ये वहाँ से आप याद रख सकते हैं, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है आपकी ताप्ती की, ठीक है. इसी के साथ जो मर्ज करती है, दैट इज़ योर सुखी रिवर है हम लोगों की, ठीक है. और एक जो हम लोगों की ट्रिब्यूटरी रह गई है आपकी, दिस इज़ योर पंजरा, राइट. एंड इसके अलावा हमारी जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज़ योर सपना है हम लोगों की, ठीक है, मोना है, बेटलू है, पटकी है और गंजल है, ठीक है. सो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये आपकी अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको आप थोड़ा बहुत देख सकते हो. अगर आप पूरा कंप्लीट परचेज करना चाहते हैं इसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. बाकी इसके अलावा हम ये हम लोगों की होगी ट्रिब्यूटरीज. अब हम लोग टिकअप करते हैं, दैट इज़ योर प्रोजेक्ट्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के जो हैं, आपके तीन प्रोजेक्ट्स ही हैं आपकी ताप्ती के ऊपर. सो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ योर काकरापुर. काकरापुर अगर आप लोगों ने पढ़ा है कभी, तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है हम लोगों का काकरा, दैट इज़ इन योर गुजरात, ठीक है जी. तो आप वहाँ से याद रख सकते हो, हम लोगों का दैट इज़ योर काकरा आपका प्रोजेक्ट भी है, ठीक है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर उकाई डैम, राइट. एंड द लास्ट वन, दैट इज़ योर जैकवाड़ी प्रोजेक्ट. सो इसको हम लोग थोड़ा बहुत लोकेट करवा लेते हैं आपके एटलेसेस के ऊपर. सो दिस इज़ बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था आपका नर्मदा, ठीक है जी. यहाँ पे आपके रेंजेस आ जाते हैं आपके विंध्या, फिर उसके बाद आपके सतपुरा, और ये है हम लोगों की ताप्ती रिवर, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली योर पूना रिवर. आपकी दो रिवर्स मिल रही हैं आपकी, देन दे आर फॉर्मिंग योर ताप्ती वन,
ठीक है जी, दिस इज योर उकाई रिजर्वायर. सो ये हम लोगों का है, दिस इज़ योर गल्फ ऑफ खम्बत रीजन आ जाता है, जहाँ पे जाके दोनों जो हैं आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है आपकी दोनों जाके मर्ज कर जाती हैं, आपकी ड्रेन हो जाती हैं इन योर गल्फ ऑफ खम्बत. गल्फ ऑफ खम्बत यहाँ पे है. अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रही हूँ, दैट इज़ नोन एज योर माल बैंक, ठीक है जी. और अगर हम लोग इसके इस शेप के बारे में बात कर रहे हैं आपकी, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाता है गल्फ ऑफ कच्छ. कच्छ जो रन ऑफ कच्छ जो रीजन है उसके बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे आपका पोरबंदर कोस्ट आ जाता है. ये हम लोगों की गिर हिल्स हैं जो अभी हम लोग केट करवा रहे थे, और इसका गिरनार हिल्स जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है बेसिकली, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वन. सो ये है हम लोगों का ताप्ती. और जाते जाते हम एक छोटा सा एक और टॉपिक लेंगे, दैट इज़ बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ योर कोस्ट लाइन्स के बारे में. तो इंडिया की जो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट योर कोस्ट लाइन. सो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, दैट इज़ बेसिकली योर गुजरात की. सबसे लंबी जो हम लोगों की है दैट इज़ आपकी गुजरात की आती है. और सेकेंड लॉन्गेस्ट अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी, तो किसकी है? सो देखिए ये हम लोगों की आ जाती है आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, दैट इज़ योर आंध्र प्रदेश, ठीक है. उसके बाद हम लोगों की आ जाती है दैट इज़ योर तमिलनाडु, पहले GAT कैट, ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं. उसके बाद हम लोगों की आती है दैट इज़ योर महाराष्ट्र रीजन की. महाराष्ट्र की जो है सबसे आपकी फोर्थ लॉन्गेस्ट जो है आपकी कोस्ट लाइन आ जाती है यहाँ पे, राइट. उसके बाद आती है हम लोगों की फिफ्थ, दैट इज़ योर केरला, ठीक है, देन इज़ योर ओडिशा, और उसके बाद हम लोगों की आ जाती है दैट इज़ योर कर्नाटका की, ठीक है. अब सबसे छोटी जो कोस्ट लाइन है हम लोगों की वो किस स्टेट की है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो सबसे छोटी जो कोस्ट लाइन है वो गोवा की है, बट इट इज़ नॉट. जो सबसे छोटी कोस्ट लाइन है हम लोगों की दैट इज़ बेसिकली ऑफ योर वेस्ट बंगाल, यस, ठीक है जी. तो वेस्ट बंगाल की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है, गो एंड सर्च इसके बारे में. और ये हम लोगों का गोवा जो है इसकी सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है आपकी सेकेंड लास्ट हम लोगों की लॉन्गेस्ट जो है आपकी कोस्ट लाइन आ जाती है, ठीक है जी. सो दिस इज़ ऑल फॉर इट. अब भी जाते जाते एक और चीज़ हम लोग लर्न कर लेते हैं कि टोटल हम लोगों की इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है. अगर हम मिला के बात कर रहे हैं तो इसको मैं ट्रिक से लर्न करवाती हूँ. जैसे हम लोग अल्लाह का नंबर बोलते हैं 786, ठीक है जी. तो आप इसको याद रखिए कि 8 को यहाँ पे हम लोग 5 और 1 में डिवाइड करते हैं, तो इसकी जो टोटल कोस्ट लाइन है हम लोगों की दैट इज़ 7516.6 किलोमीटर्स. ये है आपकी आ जाती है मिला के, जो मैं अंडमान और आपके जो निकोबार और आपके लक्षद्वीप आइलैंड सबके हम मिला के कोस्ट लाइन को कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर हम मेनलैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी जो है आपकी दैट इज़ 5422.6. अगर आप इसमें देखेंगे तो आइलैंड्स की बेसिकली हम लोगों की कितनी कोस्ट लाइन की क्या आपकी लेंथ है, दैट इज़ आप इटली कल्दन को अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं एंड यू आर राइटिंग पर्टिकुलरली, अगर आप इसके बारे में फैक्ट्स वगैरह लिख रहे हैं इसके बारे में, तो इट विल लीव एन डिफरेंट इम्प्रेशन, ठीक है. तो दैट इज़ आप याद रखिए दैट इज़ योर 5516 एंड द मेन लैंड वन इज़ योर 5422.6. So this is all for it. Next time hum log take up karenge, that is with your another river. Thank you.